सफलता के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण रीवा जिले के रीटी गांव में रहने वाले देव परिवार है। कभी सिर्फ खेती करने वाला यह परिवार अब दूध बेच रहा है, तो उनके बनाए पनीर अब बड़े बड़े उत्पादों को स्थानीय बाजार में टक्कर दे रहे हैं। पर इस सफर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे सरकारी योजनाओं ने उनकी किस्मत बदली, खुद इसी परिवार के सदस्य मितेश की जुबानी सुनते हैं। हमने आचार विद्यासागर गोसंवर्धन परियोजना के अंतर्गत अपनी डेयरी शुरू की थी करीब 5 साल पहले। एक्चुअली हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमको ऑर्गेनिक खेती करनी थी। उसके लिए हमें प्रचुर मात्रा में गोबर और गौमूत्र की आवश्यकता थी, जिसकी वजह से हमने डेयरी की शुरुआत की। अब दुग्ध उत्पादन भी होने लगा, लेकिन हमारा दूध जो है उसको वेस्ट तो कर नहीं सकते, गोरस है, तो वो फिर हमने धीरे धीरे अपने कस्टमर शुरू किए। भारतीय नस्ल की सारी हमारी गायें हैं, साहीवाल और गिर नस्ल की गायें हैं, और इनका दूध, इनका हमने सर्टिफिकेशन भी कराया। इनका A2 सर्टिफाइड A2 मिल्क है अपने पास। रीवा में हम पहले व्यक्ति हैं जो सर्टिफिकेट के साथ में A2 मिल्क दे रहे हैं। अपनी वर्मी कंपोस्ट वहाँ पे तैयार होती थी, इसके बाद ये यहाँ पे ड्रम रखा हुआ है, इसमें हम अपना गोमूत्र इकट्ठा करते हैं। इस गोमूत्र से हम अपनी खुद की दवाइयाँ तैयार करते हैं खेतों में छिड़काव के लिए। दूध है, दुग्ध उत्पादन भी अच्छा हो रहा है अपने यहाँ। इस समय अपने सारे कस्टमर्स ऑलमोस्ट डॉक्टर्स हैं जो A2 मिल्क वास्तव में समझते हैं कि क्या है। हफ्ते में 2 बार हम पनीर बनाते हैं। अपना घी श्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पे उत्तर प्रदेश पूरा सप्लाई होता है। दरअसल ये संभव हुआ है शिवराज सरकार की आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना की वजह से। देव परिवार खेती से 12 लाख रुपए की आय हो जाती है। कृषि वैज्ञानिक की सलाह पर सरकारी मदद से डेयरी उद्योग खोला और दूध को स्थानीय बाजार में बेचा। बचे हुए दूध से उन्होंने पनीर बनाना शुरू किया। गुणवत्ता युक्त एवं ताज़ा पनीर होने के कारण स्थानीय बाजार में ही पनीर बिकने लगा। इससे पनीर का व्यवसाय बढ़ गया। अब उन्हें इससे मोटा मुनाफा होता है। दूध का विक्रय ऐसा है कि लगभग हमारा 110 से 115 लीटर तक डेली का कंजम्पशन है दूध का, जो होम डिलीवरी होती है। और उसके अलावा अपने पास जो एक्स्ट्रा में दूध बचता है उसका हम पनीर बना लेते हैं। हफ्ते में 2 बार पनीर बनाते हैं, और उसके अलावा जो उस बचता है, बाकी दिनों का जो दूध बचता है उसका हम घी तैयार करते हैं। बिल्कुल, अगर ये कोई भी को खोलना चाहे तो यहाँ पशुपालन विभाग से संपर्क करके किया जा सकता है, और बहुत अच्छी योजना है। इसी योजना से ही हमारा, जो ऐसा कहना चाहिए कि हमने जो शुरुआती स्तर पे जो हमको सपोर्ट मिला वो इन्हीं योजनाओं के कारण मिला। जिस आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना ने देव परिवार की किस्मत बदली, उस योजना के तहत पशुपालन का कार्य शुरू करने के लिए बैंकों की मदद से लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना से किसान की आय 2 गुना करने का उद्देश्य है। योजना के तहत एक डेयरी इकाई पर किसानों को 10 लाख तक का ऋण मिलेगा। सामान्य वर्ग के किसानों को सरकार 25% सब्सिडी राशि रहेगी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए परियोजना लागत की 33% सब्सिडी राशि अधिकतम 2 लाख रहेगी। यह राशि बैंकों में मार्जिन मनी के रूप में भी जमा रहेगी। साथ ही सरकार हर साल 25,000 रुपए बैंक का ब्याज भी 7 साल तक जमा करेगी। रोजगार के अवसर और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई इस योजना में किसान सब्सिडी के रूप में पहले ही आर्थिक लाभ मिल रहा है। दूध उत्पादन के साथ अलग मुनाफा होगा और 7 साल तक कुल 1,75,000 रुपए का ब्याज भी सरकार जमा करेगी।